या क्या है? भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त तीन ऐ साधन निर्भर। मतलब पहला नंबर भक्तों का चरण धूलि, दूसरा नंबर भक्तों का चरण जल, तीसरा नंबर भक्तों की प्रसाद उचिष्ट बावन की कथा मृत। कह दिए तीन चीज जितने जल्दी भगवत भक्ति को बढ़ाता है जगत में और कोई चीज नहीं जो इतने जल्दी भगवत भक्ति को हमें जो प्रदान करने वाले। इसलिए हम लोग जो ये तिलक धारण करते हैं, इसलिए तो ऊर्ध्वपुंड धर विप्र है। जो व्यक्ति ऊर्ध्वपुंड धारण करते बोले सोपाक अपी, अगर वो चंडाल क्यों नहीं हो, मम लोक महियते। जो व्यक्ति ये चरण धुरी लगाते हैं, ये तिलक धारण करते हैं, चंडाल क्यों नहीं हो, जब उसका शरीर छोड़ता है वो भगवत लोक को वो गमन करते हैं। तिलक की बड़ी महत्व, इसलिए ये तिलक को धारण करनी चाहिए। जैसे हम लोग तिलक जैसे जैसे पानी देकर तिलक घिसते हैं ना, कोई एक भक्त थे, भक्तों का सर्वप्रथम कर्तव्य है स्नान करने के बाद सबसे पहले तिलक लगानी चाहिए। सबसे पहले कर्तव्य तिलक लगाओ, क्योंकि जैसे आप लोग सधवा स्त्रियाँ स्नान करने के बाद सबसे पहले सिंदूर लगाते मांग करती है, उसी तरह जो भक्त लोग है इनका सबसे पहला कर्तव्य है स्नान करने के बाद सबसे पहले तिलक, उसको बाद में अपना गुरु मंत्र को जप करके फिर हम जो कुछ काम करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति तिलक धारण किए बगैर जब कोई शुभ काम करते हैं ना वो फल प्रदान नहीं करता है, इसलिए ब्राह्मण जब आता है सबसे पहले वो तिलक लगा के पूजा करता है। लेकिन जो तिलक लगा करके जब ठाकुर के सेवा पूजा करते हैं कितना गुण बोले कोटि गुण भवे, कहते उसको करोड़ों गुण ज्यादा उसको सेवा पूजा करने का उसको फल मिलता है, करोड़ों गुण ज्यादा। इसलिए वो वैष्णव स्नान किया, स्नान करने के बाद पानी लेकर तिलक घिसते है ना, तिलक के घिसा, अब देखना कभी कभी जब तिलक घिसते हो इधर से पानी निकल जाता है, निकल जाता ना कभी कभी वो पानी निकल गया तो ठीक किनारा मतलब तालाब का किनारा में वो घिस रहे थे, पानी गिर करके नीचे गिरा, नीचा गिरा तो एक समय दो राजा को अंदर में लड़ाई हुई, लड़ाई होते होते एक राजा ने दूसरे राजा के सर को काट दिए। जब सर काट दिए उसका जो सर है वो जहाँ वो तिलक ऐसे किया था घिसा था तो वहाँ जो पानी गिरा था तिलक का थोड़ी बहुत वो उसको ऊपर नहीं उसका सर गिरा। जब सर गिरा उधर राजा था उल्टा पुल्टा काम किया है, अभी गया नरक में, नरक में है वो मांस मांस पचले पचले सब खाया हुआ था। उसके बाद में क्या करते हैं जो मांस खाते हैं इसे पका कर उनको भी मरने के बाद उबल तो गया तेल में, जैसे पकौड़ा हम छाँटते हैं ना ऐसे पकौड़े जैसे छान लेते हैं, लेकिन नीचे आग जल रही है ऊपर में कढ़ाई में पानी गर्म है, लेकिन उसको शरीर को जब डाल दिया ना वो पानी ठंडा हो गया, वो जो तेल था ठंडा हो गया, कुछ नहीं हुआ। जब महाराज आश्चर्य में पड़ गए, नीचे आग जल रही है कढ़ाई में खोल रहा है तेल, लेकिन उसको जिंदा जल डाल कुछ नहीं डालते वो ठंडा हो गया। बोले क्यों? कारण है वो मरते समय उसको जो तिलक था ना वो शरीर में तिलक लगा। ये तिलक कहाँ है, क्या क्या तिलक है? कहती है ब्रज गोपियों का, ब्रजवासियों का तिलक है, उनकी चरण की धूलि है ये तिलक है, हैं? इसलिए इसलिए कहते अनुब्रजा अहम नित्यम कुए एत अंधरेणु, कृष्ण स्वयं कहते हैं, कहते भक्तों का चरण धूलि में इतनी शक्ति है मैं भी उनको पीछे 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 चलता हूँ चरण धूलि पाने के लिए। बोले भक्तों का चरण धूलि पाने के लिए, बोले क्यों? बोले पवित्र बनने के लिए। बोले क्या वो अपवित्र हो गए? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले भक्त लोग मेरी भक्ति पूजा करते हैं, मैं चाहता हूँ भक्तों को कुछ दे, अगर हमें हर समय कोई देते रहे देते रहे, अगर हम कुछ किसको देते नहीं कभी लेते रहेंगे ऋणी बन जाएंगे हम। भगवान कहते हैं मैं तो कुछ भक्तों को दे करके ऋणी से उऋणी बनूं, अगर जब मैं भक्तों का बोलता हूँ कुछ लो, कहते न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामई मम जन्मनि जन्मनि स्वरी भगवता भक्ति आई दुखित। प्रभु हमें धन धन चौक पुत्र परिवार कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति चाहिए, आपके सेवा दो। कहते तुम्हारी सेवा लेते लेते वैसे ही ऋणी बन गया, फिर जब देना चाहते फिर कहते सेवा दो, फिर और भी मैं ऋणी बन जाता हूँ।
इसलिए कहते हैं रीढ़ी से उरीढ़ी कैसे बन, अगर भक्त का तो चरण धुल ले लो उरीढ़ी बन जाओ। कोई भक्त ऐसे होगा जो भगवान के चरण धुल देगा? कोई देगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं छुप छुप करके पीछे चलता हूँ, जब चलेंगे जब चरण धुल उड़ेगा कम से कम मेरे सर पर पड़ेगा तो मैं पवित्र बन जाऊंगा, मतलब इतने। इसलिए भगवान का देखना जो तिलक है ये क्या है, गोपियों का चरण धुल। भगवान राम को देखना जो तिलक लगाते गोपियों का चरण धुल। नारायण के देखना जो तिलक लगाते किस चीज की, इसी हम जो गोपी चंदन धारण करते हैं ना, ठाकुर भी गोपियों की चरण धूल को, हमारी बात छोड़ दो, ठाकुर भी स्वयं ये तिलक गुरु धर विप्र मृत जत्र पुत्र चीत है। अगर कोई उर्ध्वपुंड धारण करते हुए शरीर छोड़ता है, स्वभाग अभी महियते मम लोक महियते, चंडाल क्यों नहीं हो मेरे मेरे को प्राप्त करता है, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा निक्तप तस्य भवेत देह जस्य पदार्थ के दधनो। जो शरीर में उर्ध्वपुंड तिलक लगाते हैं द्वादश अंग में, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा हरिवल्लभा सब उसके शरीर में नित निवास करते हैं। इसलिए भक्तों का जब, इसलिए हमारी ये जो कोई वैष्णव लोग हमारी जब शरीर छोड़ते हैं ना, हम उसको नहा धो करके पूरा उसको द्वादश अंग में उसका तिलक लगाते हैं, पूरा शरीर में तिलक धारण कराते हैं। तिलक धारण करा के उसको अंतिम दाह संस्कार करते, क्यों कि ब्रज गोपियों की ये, ब्रजवासियों का ये चरण धूलि बड़ा महत्व चरण धूल लगाने का। इसलिए देखो संत कहीं सोए थे, अभिशाप ग्रस्त थे, बेर का वृक्ष बने हुए थे, वहां पर कोई संत चले गए, संत का चरण धूल लग गया तो क्या हो गया, उदाहरण हो गया, ऋषि का अभिशाप से मुक्त हो गया। इसलिए तिलक की बड़ी महत्व थी। हाँ तुम बोलो नीचे से कब तक दबा दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हे गुरुदेव, ओम विष्णु अष्टदश श्री भक्तिवेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम। तत्पश्चात आप सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज की जो मेरी कथा है वो है हरि नाम की कितनी महिमा होती है। एक गाँव में दो बनिए रहते थे, वो बनिए अपना व्यापार किया करते थे। तो उनमें से जो एक व्यक्ति था उसको साधुओं के संघ के बारे में हरि नाम के महीने में कुछ कुछ पता था। तो उसे लगता कि मुझे भी क्या जीवन में कभी सतगुरुदेव मिलेंगे, तो वो हमेशा निरंतर इसी सोच में रहा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक संत पधारते हैं, तो वो उन संत को प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज मैंने संतों की महिमा श्रवण तो की है पर मुझे पता नहीं इतना कि आप मेरे गुरुदेव बनेंगे। तो उन्होंने कहा, हाँ बच्चा मैं बनूंगा तो, पर तुम मुझसे चाहते क्या हो? कहते हैं मैंने संतों के पास एक अपार धन रहता है, मैंने सुना है कि आप उसमें से थोड़ा धन मुझे भी देंगे। कहते हैं मेरे पास क्या धन है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं नहीं महाराज, आपके पास धन है ना, हरि नाम रूपी धन, आप तो इस संसार की सबसे धनी व्यक्ति हो, आप उसमें से थोड़ा धन मुझे भी दे दो ना। तो कहते हैं ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुरुदेव बनूं तो ठीक है, मैं आज से तुम्हें हरि नाम प्रदान करता हूँ। तो वो उनको हरि नाम देते हैं और तुलसी माला उनके गले में डाल देते हैं। कहते हैं मैंने तुम्हें संसार का अपार धन दिया है, यदि कभी कुछ भी संसार का काम तुम्हें छोड़ना पड़े उसको एक तरफ रखना, पहले इस हरि नाम को करना फिर और संसार का काम करना, अब तुम संसार के सबसे धनी व्यक्ति हो। कहते हैं ठीक है गुरुदेव। अब वो अपने दुकान पर जाते, अब दुकान खोलते उस पर बैठ जाते, अब ग्राहक आते तो सामान दे देते वरना झोली लिए हरिनाम जपा करते। तो उसके जो
उस बराबर में दूसरे बनिया रहते कहते ये तो पागल हो गया, इसलिए तो कहा जाता है संतों की ज्यादा संगत ना करो, वो खुद तो उन्हें कुछ काम रहता नहीं और दूसरों को भी करने नहीं देते। जब से यार इनाम दिया है बस सारा दिन इसे लेके बैठा रहता है, काम धंधा तो मानो इसने छोड़ ही दिया। तो अब वो कहते हैं अरे भाई ये तुमने क्या रोग पाल लिया, हमेशा इसे लेके बैठे रहते हो, अब तुम्हें कुछ करना खाना नहीं है क्या? कहते हैं अरे मूर्ख तुम्हें क्या पता, मेरे गुरुदेव ने मुझे अपार धन दिया है, इस ये धन तो कभी घटता ही नहीं है, निरंतर बढ़ता ही बढ़ता है। कहते हैं झूठ मत बोलो, बस ये माला जाप करने से कोई धन थोड़ी ना हुआ, तुमने जो तुम्हारे पास था उसे भी खो दोगे। मैं अभी तुम्हें कह रहा हूँ संभल जाओ और काम कर लिया करो। कहते हैं मेरे साथ ज्यादा मत बोलो तुम, मेरे पास तो अपार धन है। कहते हैं अच्छा ये तुम्हें इतना घमंड है तो इस बात को साबित करके दिखाओ तुम्हारे पास अपार धन है। कहते हैं ठीक है मैं इस बात को साबित करता हूँ। अब उसने बोल तो दिया, मन में सोच रहा है क्या मैं इस बात को साबित कर पाऊंगा, मेरे पास सच में अपार धन है। फिर सोचता है गुरुदेव ने कहा है तो मेरे पास अपार धन अवश्य ही है, मैं इस बात को साबित कर दूंगा, मेरे गुरुदेव ने मुझे अपार धन ही दिया है। तो कहते हैं ठीक है मैं कल को पूरे गाँव वालों के सामने इस बात को साबित करूंगा। कहते हैं ठीक है। अब वो बनिया अगले दिन सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है देखो देखो भाई संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, आज ही अपनी बात साबित करेगा कि इसके पास सबसे ज्यादा धन है। तो कहते हैं ठीक है। अब गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तराजू मंगाया जाता है और उस बनिए के पास जितना भी धन था सारा धन लाकर सोना चांदी सब अपना ले आता है और तराजू के एक पल्ले पर रख देता है और कहता है अब इस बात को साबित करो कि तुम संसार के सबसे धनी व्यक्ति हो। कहते हैं ठीक है। अब वो बेचारा घबराता मन मन में अपने गुरुदेव को प्रणाम करता है और बोलता है हे गुरुदेव मैंने आपकी बात पर विश्वास कर इसको बोल तो दिया कि मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति हूँ, अब मेरी लाज रखना आपके हाथ में है। अब ये कहते ही वो अपनी हरिनाम की झोली उस दूसरे पल्ले पर रख देता है। फिर पूरे गाँव वाले क्या देखते हैं जो हरिनाम की झोली की जो सा पल रहा था उसका वो तनक से भी नहीं हिलता और जो वो धन से भरा हुआ पल रहा था वो एकदम से ऊंचा हो जाता है और हरिनाम रूपी पल रहा जीत जाता है। और वो कहता है ना देखो मैंने कहा था ना मेरे गुरुदेव ने मुझे सबसे बड़ा धन दिया है, मैं इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। कहते हैं अरे नहीं नहीं तुम तो बेईमानी कर रहे हो, ये कैसे होता है? कहते हैं नहीं ये धन कभी घटता नहीं है, ये निरंतर बढ़ता है। पायो जी पायो मैंने राम रतन लायो धन पायो। कहते हैं अच्छा तुमने कैसे पाया, ये कैसे किया, मुझे कोई उदाहरण देके तो समझाओ कि हरिनाम से किसका उद्धार हुआ है। कहते हैं अच्छा हरिनाम का तुम उद्धार देखना चाहते हो तो सुनो एक बार की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हरिनाम कितना पावरफुल होता है। कहते हैं ठीक है। एक गाँव में एक व्यक्ति अपने काम से जा रहे थे तो उस गांव में भागवत चल रही थी तो सब हरिनाम रूपी हरे कृष्णा कह रहे थे। तो वो कहते हैं अरे मैं इस गांव में आज रात रुक जाता हूँ और सुबह होने के बाद चला जाऊंगा। तो वो वहां जाते हैं और कहते हैं भाई क्या आज रात मुझे यहाँ विश्राम करने की अनुमति मिल जाएगी? कहते हैं हाँ भाई आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रुक जाइए, यहाँ भागवत जी चल रही है, आराम से रहिए। कहते हैं चलो ठीक है। अब वो एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। पर वहां तो भागवत चल रही थी तो वे बहुत शोर कर रहे थे, कहते हैं ना जाने पागल गांव वाले को क्या हो गया इतना शोर क्यों कर रहे हैं। पर भागवत चल रही थी तो 3 घंटे की भागवत कथा थी, तो जैसे ही भागवत समाप्त हुई 12 बजे तो कहते हैं चलो ठीक है अब तो आवाज बंद हुई, अब मैं सो जाता हूँ। अब वो दिन निकलते ही ना गाँव वालों से कुछ कहा और वो व्यक्ति वहां से चला गया। अब चला गया तो दिन बीते तो उसकी एक दिन मृत्यु हो गई। तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे यमराज जी ऊपर ले गए। अब चित्रगुप्त से जाके कहते हैं चित्रगुप्त इसके अच्छे और बुरे कर्म बताओ, इसने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है। तो चित्रगुप्त देखते हैं और कहते हैं महाराज इसने तो अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं, सारे जीवन बस अपना हित किया, खाया आराम से रहा और कुछ इसने किया नहीं। कहते हैं हाँ बस इसने एक अच्छा काम किया है, इसने बेमन से 3 घंटे जो भागवत थी इसके कानों में पड़ी है, बस इसने इतना अच्छा काम किया है। कहते हैं अच्छा 3 घंटे इसने हरिनाम सुना है।
तो इसे 3 घंटे के लिए सुरत छोड़ आओ और 3 घंटे बाद इसको ले आना। तो कहते हैं ठीक है। अब वो जो यमदास के दूत थे वो उसको स्वर्ग लोक ले गए और स्वर्ग का तो वैभव देखकर वो इंसान एकदम चौकन्ना रह गया। एकदम वहाँ सुगंध फूल आ रहे थे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिष्ठान। कहते अरे वाह कितना सुंदर स्वर्ग है, अगर मैं पूरे जीवन प्रभु का नाम लेता तो मैं निरंतर इस स्वर्ग में वास किया करता। तो सोचता है पर अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब सब जगह वहाँ आनंद ही आनंद था, कोई पालकी पर चढ़कर जा रहा, सब खेल रहे थे वहां पर। तो क्या देखता है एक कोने में प्रभु का नाम चल रहा है, सत्संग हो रहा था, हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण हो रहा था। तो वो सोचता है मुझे 3 घंटे मिले हैं, क्यों ना मैं इन्हें ना वेस्ट कर 3 घंटे सत्संग में बैठ जाता हूँ। तो वो सत्संग में बैठ गए और हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे, साधु संत मस्ती में झूम रहे थे, वो भी उनके साथ वहीं बैठ गया। अब क्या देखता है वो 3 घंटे समाप्त हो गए। अब 3 घंटे समाप्त हुए तो यमराज के दूत उसको वापस लेने आए। अब वो उसको ढूंढ रहे हैं तो वो उन्हें मिल गया। कहते हैं अरे चलो तुम्हारा 3 घंटा समाप्त हो गए। पर क्या देखते हैं जहां तक हरि नाम की ध्वनि जा रही थी वो यमदूत उससे एक कदम भी आगे ना रख पाए और उसको छू भी नहीं पाए। और वो कहता है व्यक्ति अरे, वो यमदूत कहने लगे अरे ये क्या हो रहा है, हम तो इस व्यक्ति को छू तक भी नहीं पा रहे। अब वो यमराज के दूत बहुत प्रयास करते हैं पर वो उसे वहां से हिला भी नहीं पाते। अब वो वापस जाते हैं और यमराज के पास जाकर कहते हैं महाराज ये बात हुई, वो तो इतना चंट निकला, जाकर सत्संग में बैठ गया और अब वो उसको वो भी छू भी नहीं पा रहे हैं। तो क्या अब यमराज कहते हैं अच्छा चलो मैं देखता हूँ, मैं उसको लाता हूँ। अब वो यमराज जी आते हैं और यमराज जी उसको छूने का प्रयास करते हैं पर यमराज भी उसको नहीं छू पाते। तो अब वो कहते हैं हम क्या करें, अब प्रभु के पास जाना पड़ेगा। अब वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान को प्रणाम करके कहते हैं महाराज ऐसे ये बात है, एक व्यक्ति अभी भी संसार से आया था, जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, बस 3 घंटे बेमन से भागवत सुनी तो हमने 3 घंटे के लिए उसे स्वर्ग में भेज दिया और वो वहां जाकर भी सत्संग में बैठ गया। तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं वो सत्संग में नहीं बैठा, वो मेरी गोद में बैठा है और मेरी गोद में बैठा है तो तुम क्या उसको कोई भी छू नहीं पाता। जो सत्संग में बैठा है उसको मृत्यु छू भी नहीं पाती, जब वो सत्संग से बाहर होगा तब जभी तुम उसे छू सकते हो। जब तक वो सत्संग में है वो मेरे आश्रित है, वो मेरी गोद में बैठा है, ये हरि नाम की महिमा है। तो वो कहते हैं ठीक है प्रभु। अब वो बनिया ये कथा सुना रहा था तो कहते हैं सुन लिया ना तुमने, हरिनाम से कितनों का उद्धार हुआ है, ऐसी ऐसी एक कथा क्या मैं तुम्हें अनेक कथा सुना सकता हूँ। तो कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, अब तुम्हारे गुरुदेव ने तुमको ये अपार धन दिया है। कहते हैं हाँ तुम समझ गए ना। तो कहते हैं ठीक है आज से मैं भी हरिनाम किया करूंगा, ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने भी हमें अपार धन दिया है, पर हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि इस धन को निरंतर बढ़ाते रहें, ना कि एक जगह रख दें। जैसे एक पिता अपने पुत्र को 100 रुपया देता है तो उसे कहता है लो बेटा ये मेरी जमा पूंजी है और इसे बढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो अच्छा पुत्र कौन होता है जो उस धन को बढ़ाता है ना कि घटाता है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने भी हमें अपार धन दिया है और हमारा भी कर्तव्य है इस धन को बढ़ाए और इसे आई नाम को निरंतर करते रहे। ये सभी शब्दों के बाद सात वांछा कृत भविष्य के पास चलता है भाई। चला ये ना ये हमारे प्रभुपाद का जीवन में से घटना है। प्रभुपाद से किसी व्यक्ति ने हरिनाम ग्रहण किया लेकिन क्या हुआ, एक बंगाली कोई लड़की थी देखने में बड़ी सुंदर थी, पहले वो था ब्रह्मचारी, उसको अपना प्रेम में फंसा लिया तो बंगाल में सो मांस मछली खाते, लेकिन वो लड़की देखने में बड़ी प्यारी सुंदर, उसने धीरे 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 उसका भक्ति भक्ति छुड़वा दिया और छुड़वा करके ना मांस मछली उसको खिला दिया। तो अभी जो पहले भजन करता था भक्त भक्त छूट गई उसका, अभी तो मांस मछली में रम गया। लेकिन इसका जो मृत्यु हुई ना, मृत्यु हुई तो शरीर यहाँ पड़ा हुआ, अभी जमदूत उसको ले गए कहा नर्क ले गए। जब नर्क ले गए जब उसने दूर से जमदूत देखा ना वो चिल्ला उठे बोले किसको लेकर के आए हो, तेरे को पता है ये कौन है, ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का शिष्य है,
इसको मैं दंड नहीं दे सकता हूँ, क्यों प्रभुपाद को राधारानी के नयन मणिमन के लिए खुद कहते हैं मेरे शरण में जो आया ना, जब तक मैं उसको भगवत धाम में नहीं ले जाता हूँ तब तक जितना बार नहीं ले जाता हूँ उतना बार जगत में आता रहूंगा, जब तक उसको मैं उद्धार कर नहीं ले जाता उसको वापस दे आओ। जब उन्होंने बोले इधर तो शरीर भरा पड़ा होगा पूरा, सबके सब लोग सब आ गए उसको के लिए आरती सजा रहे हैं ले जाने के लिए, हठात उसने बैठ गया, उसको छोड़ दिया, अच्छा उसने बैठ गया, बैठ कर कहता है मेरी माला कहाँ गया, मेरी माला कहाँ गया, मेरी माला कहाँ गया। भैया क्या हो गया, तो मर गया था सबको, पूरा का पूरा परिवार लोग आ गए तो उसको जलाने के लिए आ गए कि तो माला क्या गया। हाँ उसको पत्नी ने बताया, हाँ ये पहले भजन करता था मंदिर में ब्रह्मचारी था, मेरे चक्कर में पड़ करके सारे भजन भजन छोड़ छाड़ दिया है, छोड़ छाड़ दिया उसने, इसलिए ऐसे ऐसे। फिर उसने फिर प्रभुपाद ने स्वप्न दिया है, बोले देख जाओ एक भक्त थे माधव गोस्वामी महाराज थे प्रभुपाद का आश्रित, तब जाओ उनसे हरिनाम ग्रहण करो। फिर तुम बहुत दिन से हरिनाम करना छोड़ दिया था, फिर वहां पर गए हरिनाम उसने किया, फिर ग्रहण करते हुए फिर उन्होंने भगवान के पास में गए। इसलिए हम लोग जो हरिनाम करते हैं ना, हम जो गुरु जी से हरिनाम लेकर करते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए दिन दिन बढ़त सवाय राम रत्न, कभी हमारी नष्ट होने वाले नहीं बढ़ने वाले। इसलिए हरिनाम को निष्ठा पूर्व हरिनाम करो, एक धनी हमारा असली पूंजी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तविंद, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म विष्णु पाद अष्टोक तशत श्री शक्ति विदान सीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंड प्रणाम करता हूँ, एवं मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्री पाद परमेश्वर गुरु जी के चरण कमलों में साष्टांग दंड प्रणाम, एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णव के श्री चरणों में यथाज्ञ प्रणाम। जैसे कि कल हमने श्रवण किया था श्रीमद भागवतम के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक के विषय में, उसी के विषय में हम आज कुछ श्रवण करेंगे। श्लोक था जन्मादस्य यतो नवयादि तस्तश्च अर्थेषु अपि केसराट तेने ब्रह्मेदायादि कवे मोयन्ति यत सूर्य तेजो आरि विदाम यथा विनिमयो त्रिशर यत्र त्रिशर्गो अमृषा धामना सदान्यस्त कूकं सत्यं परं धीमहि। इसमें बताया जन्मादस्य यतो, जिनसे सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन और संहार होता है, जो समस्त कारणों के कारण है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान का उपदेश दिया, जिनसे बड़े बड़े देवता और मुनि मोहित हो जाते हैं, जैसे जल में अग्नि में जल की और जल में स्थल की और स्थल में जल की प्रतीति होती है, वैसे ये त्रिगुणात्मक सृष्टि सत्यवत प्रतीत होती है। त्रिगुणात्मक सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्यवत प्रतीत होती है। ऐसे परम सत्य जो अपने धाम में वास करते हैं उनका मैं ध्यान करता हूँ। हमने इसमें श्रवण किया था कि वो परम सत्य कौन है, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं भी वर्णन नहीं है। जो शिव जी के उपासक हैं वो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम कि शिव जी ही परम सत्य हैं। जो देवी के उपासक हैं वो देवी भागवत है उसको पढ़ के बोलते हैं कि देवी के विषय में है। और जो सूर्य के उपासक हैं, सूर्य देवता के उपासक हैं, वो बोलते हैं इसमें क्या है, गायत्री का भाष्य है ना, वो गायत्री को क्या बोलते हैं, सूर्यदेव के उपासना करते हैं ना, गायत्री के माध्यम से वो उसके विषय में बोलते हैं। और जो ब्रह्मा जी के उपासक हैं बोलते हैं ब्रह्मा जी के विषय में है। परंतु आपने सुना होगा ये तो
शास्त्रों में भी वर्णन है, आपने देखा होगा जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, बाकी सब कुछ झूठा है। तो हम, हमें पता है ये, हम मानते हैं, जानते हैं परम सत्य कौन है, कृष्ण और राम ही परम सत्य हैं, है ना, हम भी जानते हैं। लेकिन जो ये शास्त्र मोहिनी विद्या है, इन शास्त्रों को पढ़ करके भी लोग समझ नहीं पाते कि परम सत्य कौन है। परंतु हमारे चार वैष्णव आचार्य में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इसको बताया कि कृष्ण ही परम सत्य है, जिसमें देवताओं ने जिसमें भगवान की स्तुति की, जब देवकी मैया के घर में आए भगवान उस समय स्तुति की, सत्यवर्तम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम शरणम कृपन्नम। और उन्होंने सब कुछ सत्य 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 बताया देवताओं ने, ये यहाँ पर भी अच्छे से स्पष्ट नहीं होता है। महाभारत में बताया सत्य प्रतिष्ठितम कृष्ण सत्यम अत्र प्रतिष्ठितम, कि जो श्री कृष्ण क्या है, सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन हो जाता है कृष्ण ही परम सत्य हैं। परंतु हमारे रसिकाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि कृष्ण ही नहीं, उन्होंने क्या बताया, परम परम सत्य परम धीमहि। परम किसके लिए उन्होंने प्रयोग किया, श्रीमती राधा रानी के लिए उन्होंने बताया परम च पराम, ये कौन है, श्रीमती राधा रानी। चैतन्य चिंतामृत में वर्णन है देवी कृष्ण ही प्रोक्ता राधिका परा देवता, राधा जी को क्या बताया, परा देवता। अब आप बोलोगे कि राधा रानी तो स्त्री है, देवता कैसे हो गई, परा देवता। देवता इसलिए बताया, परा होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और देव कृष्ण, और कृष्ण के लिए बताया कि कृष्ण श्रेष्ठ है, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, राधा रानी, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब तक कोई भी कार्य हम शक्ति से ही करते हैं, ऐसे ही जो भी भगवान जो भी कुछ करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, शक्ति के माध्यम से। तो श्रेष्ठ कौन हुआ, शक्ति, अगर शक्ति ना हो तो शक्तिमान कोई कार्य नहीं कर सकता। तो अब उन्होंने राधा जी को परम सत्य बताया, जैसे कि हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं केवल कृष्ण को पूजने से नहीं होगा, राधा जी को भी पूजना पड़ेगा, साथ में दोनों को लेना पड़ेगा। केवल माधव पूजे सो ज्ञानी, राधा अनादर करई अभिमानी, केवल कृष्ण को पूजने से नहीं बनेगी बात, राधा जी को भी आराधना करनी पड़ेगी कृष्ण के साथ में, तभी क्या है हम समझ पाएंगे ये इसको परम सत्य को क्या है। परंतु हमारे शिला प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये जो परम सत्य शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया है, श्री सचिनंदन गौर हरि के लिए। वो कौन है, राधा और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप हैं। जब कृष्ण को कोई लीला करनी होती है तो कृष्ण क्या करते हैं, राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुहि, राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। परंतु जब उनको कोई लीला करनी होती है, उस रस का आस्वादन करना होता है, तो दोनों अलग अलग रूप धारण करते हैं राधा और कृष्ण। और वास्तविक रस का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी के भावों को अंगीकार करके श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण हुए। तो कृपा जी कहते हैं कि यहाँ पर जन्मादस्य जिनसे क्या होता है, हरिनाम रस की उत्पत्ति होती है, हरिनाम रस की उत्पत्ति होती है जिनसे, भगवान से। और उन्होंने बताया जिस वो जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, आदि कवि प्रथम जीव ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान का उपदेश दिया, वो तो कृष्ण के लिए आया था। राधा जी के लिए बताते हैं, राधा जी के विषय में आते हैं रूप मंजरी राधा रानी की अत्यंत निकटतम मंजरी है, वो सारी उनके हृदय के भावों को जानती हैं। तो राधा रानी ने अपने हृदय के भावों को उनके हृदय में प्रकाश कर दिया रूप मंजरी के
और ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय के जितने भी भाव हैं वो सब किसके हृदय में प्रकाशित कर दिए, रूप गोस्वामी जी के हृदय में। वो परम सत्य धीम सत्य परम धीमही चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रयोग किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, मुझे ज्यादा पता नहीं, जितना मुझे धारण कर पाया मैं उतना बोलने का चेष्टा किया। वंशा गल्पतरुष के पास उनके अच्छे पिता ने पाल मुझे वैष्णव। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। वेणुगीत गीत के अंतर्गत हम कल श्रवण कर रहे थे, ब्रज गोपियां अपने हृदय के भावों को समझाती गोपियों के समक्ष वर्णन करने की चेष्टा करती है, और यद्यपि वर्णन करना चाहती है वेणु के मधुर नाद के विषय में, लेकिन क्योंकि कृष्ण और बलराम का रूप उनके सामने स्फुरित हो गया तो इसीलिए अपने भावों को छिपाते हुए अपरोक्ष रूप में कृष्ण बलराम दोनों की ही माधुरी का वर्णन करती है। कल हम सुन रहे थे किस प्रकार ब्रजेश श्रुति और अनुवेणु जुष्टम येरवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ब्रज गोपियां कहती है कि जिन्होंने कृष्ण बलराम की इस रूप माधुरी का आस्वादन किया है उन्हीं की ही आंखें धारण करना सार्थक है। लेकिन बाद में फिर कहते हैं कि क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से मानो उनके हृदय का भाव छिपा नहीं रहा, जब उन्होंने कहा कि वेणु जो पीछे अनुपश्चात वर्तिनी और फिर वेणु जुष्टम जिसने वेणु धारण कर रखी है, तो वेणु धारण तो निश्चित रूप में कृष्ण ही करते हैं, तो पुनः चेष्टा करती है अपने भाव को छिपाते हुए और दूसरे श्लोक के अंदर कहती है कि हे सखी जिसने कृष्ण बलराम के इस रूप का दर्शन किया है उनका तो सार्थक है ही, लेकिन विशेष करके जो गोपालक कृष्ण और बलराम के साथ में गौचारण के लिए जाते हैं वो ज्यादा सौभाग्यवान है। क्यों? क्योंकि कृष्ण बलराम जब गौचारण के लिए जा रहे हैं उनका कितना सुंदर स्वरूप है, उन्होंने नए नए आम्र पल्लवों को लेकर मयूर पंख को लेकर और पुष्प के गुच्छों को लेकर अपने केश बड़े सुंदर रूप में सजा रखे हैं। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, उन्होंने पीतांबर पहन रखा है, और बलराम जी गौरवर्ण के, उन्होंने नीलांबर पहन रखा है, गले में उन्होंने रंग बिरंगे कमल पुष्पों की माला पहन रखी है, और जब सखाओं के साथ में जा रहे हैं तो इतनी नृत्य भंगी से वहां पर चलते चलते जा रहे हैं। कहती है रंगे यथा नटवरो क्वच गाय मानव, ऐसा लगता है कि जैसे दो प्रमुख नट जो नाटक करने वाले होते हैं नट, वो बड़े ही सुंदर रूप में किसी रंगमंच पर नृत्य कर रहे हैं। और कृष्ण बलराम भी साधारण नहीं, उनको सखाओं के बीच में स्थित होकर सखा उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके बीच बीच में गान करते करते नृत्य करते करते इतनी सुंदर भूभंगिमा दिखाते हैं और बड़े ही अभिमान से गर्व करते हुए और वहां पर विराजमान हो जाते हैं। सखाओं से प्रश्न करते हैं, बोले क्या तुम भी ये सब कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ। इस तरह से बड़े अभिमान पूर्वक गर्व पूर्वक वहां पर नृत्य कर रहे हैं। गोपियां कहती है कि इतना सुंदर स्वरूप इनका है, किसी नटवर का नृत्य मानो देखने पर ऐसा लगता है, और विशेष करके जो गोप बालक इनके साथ में है वो गोप बालक बड़े सौभाग्यवान है। क्यों? क्योंकि घर में हो या वन में हो, जहां पर भी हो ये गोप बालक सब समय कृष्ण और बलराम के साथ में रहते हैं। लेकिन हम गोपी जन्म प्राप्त करके हम इतनी दुर्भाग्यनी है कि हमें कभी भी कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं होती। सेवा तो दूर की बात है, हम कृष्ण का साक्षात दर्शन भी नहीं कर सकती। गुरुवर्गों की लज्जा और समाज की लज्जा, इतनी सारी हमारे ऊपर बंधन है जिसके कारण कृष्ण का स्वच्छंद रूप से दर्शन भी नहीं कर सकती, और सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए इस ब्रज भूमि में यदि कोई सौभाग्यवान है तो ये गोप बालक ही है। तब एक गोपी ने इन गोप बालकों के सौभाग्य के साथ साथ में वर्णन करने लगी वेणु के सौभाग्य का, क्योंकि गोपालक तो बचपन से ही कृष्ण के साथ में है, बचपन से ही, पहले तो बछड़े चराने जाते थे और अब गोचारण के लिए जा रहे हैं, तो बचपन से ही कृष्ण बलराम के संगी है, इसलिए उनके सौभाग्य की बात तो दूर रही।
लेकिन ये जो काठ की बनी, ये जो निर्जीव, ये वेणु है, बांस का एक टुकड़ा, न जाने इनसे इसने कौन सा तप किया है कि ये सब समय कृष्ण के अधरामृत का पान करता है, कृष्ण के अधरों पर सब समय विराजमान रहता है। गोपी कहती है, गोप्या के माच हृदयम कुशलम स्म वेणु दामोदरम अधर सुधाम अपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदिन्यो ऋष्य त्वचो अश्रु मुमुचु दर्वो यथार्या। ब्रजगोपी कहती है कि गोपिया किमाचर दयम कुशलम स्म वेणु, अरे इस वेणु ने कौन सा अच्छा, कौन सा पुण्य आचरण किया, पूर्व जन्म में कौन सा तीर्थाटन किया था, कौन सा दान पुण्य किया था, कौन सी तपस्या करी थी जिसके फल स्वरूप इसको कृष्ण के अधरामृत का पान करने का सौभाग्य मिल रहा है, कृष्ण के अधरों पर सब समय विराजमान रहता है। दूसरी गोपी कहती कि नहीं नहीं कोई सौभाग्यवान नहीं है रे, क्योंकि अगर तप किया होता, अगर कोई इसने तपस्या करी होती तो फिर ये स्थावर योनि में क्यों जाता, इसको एक वृक्ष योनि क्यों प्राप्त होती। तब पहली गोपी फिर कहने लगी, नहीं आली, इसने जरूर कोई तपस्या तो करी है, क्योंकि देखो ये कृष्ण के कितने प्रिय है, कृष्ण कभी इसे अपने हाथों में रखते हैं, कभी अपने कमर में फेटे के ऊपर रखते हैं, कभी इसको चुंबन करते हैं, और कभी स्वयं ही अपने अधरामृत को इसके अंदर सिंचन करके और इसको परिपूर्ण करने की चेष्टा करते हैं, इसलिए निश्चित रूप में इसने कोई सौभाग्य तो किया है, इसलिए बड़ी सौभाग्यवान है, इसने कोई तपस्या तो निश्चित करी है। चलो चलो हम भी जाएंगे पौर्णमासी के पास में, पौर्णमासी तो सर्वज्ञ तपस्विनी है, वो सब जानती है, तो इसलिए हम भी वैसा ही पुण्य आचरण करके और उसी सौभाग्य को प्राप्त करेंगी जो ये वेणु को आज प्राप्त हुआ है। लेकिन दूसरी गोपी तभी कहने लगी कि इससे सौभाग्यवान तो है ही, लेकिन इतनी दुर्विनीत है, इतनी ढीठ हो गई है कि ये हमारे अधिकार को भी छीनने की चेष्टा कर रही है। कृष्ण गोप है और हम गोपियां, कृष्ण हमारे प्रियतम है और प्रियतम के अधरामृत पर तो हमारा ही अधिकार है, लेकिन ये इतनी दुर्विनीत है कि हमारे ही सामने कृष्ण के अधरामृत का पान करती करती और घोषणा करती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। वेणु यद्यपि बांस कुल में जन्म लिया है और गोपियां कहती है कि ये पुरुष है, बांस कुल बताया ये पुरुष है, इसलिए इसके अंदर भोक्ता अभिमान भी है, इसके अंदर भोक्ता अभिमान होने के कारण ये क्या कर रहा है, वहां पर कृष्ण के अधरामृत का भोग कर रहा है। और इसके साथ में जो इसके सारे परिवार वाले हैं ना, कौन कौन, ये जो कुल वृद्ध आम्र और कदम्ब नीम, ये सारे वृक्ष हैं, ये भी सब हमारे शत्रु ही हैं। कैसे, कहते हैं कि कृष्ण के अधरामृत का पान तो करता ही है, साथ साथ में वहां पर घोषणा करने लग जाती है। क्या घोषणा, जब मुरली बजती है ना तो कृष्ण मानो अपने अधरामृत को उस मुरली के अंदर फूंक रहे हैं और उससे बड़ा सुंदर शब्द निकलता है, उसी शब्द को श्रवण करके सभी ब्रज गोपियां आकर्षित होकर और एक टकटकी लगाकर कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण का शब्द सुनती हैं। इसीलिए मानो ये वेणु भी बड़े ही ढीठ होकर घोषणा कर रहा हो कि देखो गोपियों, तुम्हारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है कृष्ण के अधरामृत पर, वो तुम्हारी संपत्ति को मैं हरण कर रहा हूं, तुम क्या कर सकती हो, कुछ कर लो। इसलिए हम भी शांत नहीं बैठेंगी, हम भी क्या करेंगी, बलपूर्वक ना चोरी करके इस मुरली को हम क्या करेंगे, छिपा देंगी, ताकि परवर्ती काल में ये कभी भी ऐसी दृष्टता करने की चेष्टा ना करे। ब्रज गोपियां इस प्रकार बड़े सुंदर सुंदर भाव व्यक्त करती हैं। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, दामोदर अधर सुधाम अपि, यहां पर गोपियां कहती कि दामोदर शब्द का प्रयोग किया, दामोदर शब्द का कोई प्रयोग किया, कहते हैं दामोदर कृष्ण का नाम कब हुआ, जब मैया यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांधा था। दाम का अर्थ होता है पेट, दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। तो मैया यशोदा ने जब से कृष्ण को बांधा था ओखल से, तभी से कृष्ण का नाम हुआ दामोदर। और उसी समय से ही हमारी तो कृष्ण के साथ में प्रीति है, उस समय पर तो इस वेणु का कोई गंध मात्र भी नहीं था, उस समय पर तो इस वेणु के बारे में कोई नहीं जानता था। जब से कृष्ण ने गौचारण आरंभ किया है तब से इस वेणु का संग हुआ और इस किंचित मात्र संबंध से ही कृष्ण के अधरामृत का एकमात्र उत्तराधिकारी बन गया। इसीलिए कहती है दामोदर अधर सुधाम अपि गोपिका नाम। फिर कहती है अवशिष्ट रसम, यहां पर कहती है अवशिष्ट रसम, अवशिष्ट रसम का क्या अर्थ हुआ, कहती है कि अवशिष्ट रसम अर्थात ये वेणु ने कृष्ण के अधर किस प्रकार बताए, कहते हैं बिंबफल, एक बिंबफल के समान लाल लाल कृष्ण के दो अधर द्वय हैं और वेणु ने उसके सारे रस का पान कर करके मानो कृष्ण के अधर तो देखो पीले पड़ गए। ये वेणु जिस प्रकार स्वयं निरस है उसी प्रकार इसने कृष्ण के अधरों को भी निरस बना दिया। इसीलिए क्या करेंगे हम, ये अवशिष्ट रसम कह रही है कि हमारे लिए उसने कुछ छोड़ा ही नहीं,
सब रस को पूर्ण रूप में पान करके कृष्ण के अधर तो देखो एकदम पीले पड़ गए हैं। दूसरा अर्थ कहते हैं अवशिष्ट रसम का कि रस का अर्थ बतलाया राग। तो जितना भी ये वेणु उस राग का आस्वादन करे, जितना भी उस रस को पान करे, तब पर भी तृप्ति नहीं होती, वो राग कभी शेष नहीं होता, इसलिए अवशिष्ट रसम वो राग कभी शेष होने वाला नहीं। और एक अर्थ विशेष करके चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं कि जिस अन्य अन्य रसों को सब संपूर्ण रूप में परित्याग करके जिस रस का आस्वादन श्री ब्रज गोपियां करती है वो है अवशिष्ट रसम। उस अवशिष्ट वो बचे हुए रस को ये वेणु पान कर रही है। इसीलिए कहते हैं ऋष्व तुचो मुमुचु तस्तरो यथार्या, कह रहे हैं कि इसके साथ साथ में जो वृक्ष इत्यादि है, वृक्षों में क्या हो रहा है, वृक्ष के अंदर से मधु झरने लगा है। जिस प्रकार एक कुल में यदि कोई भगवान का भक्त जन्म ले ले तो उसके अभिमान से, उसके गर्व से सारे जो वयोवृद्ध महिलाएं और पुरुष होते हैं वो बड़ा गर्व अनुभव करते हैं कि देखो हमारे कुल का, हमारी संतान का कितना सौभाग्य है, कृष्ण का भक्त बना है। उसी प्रकार आज ये वेणु का इतना सौभाग्य देखकर सारे वृक्ष इत्यादि जो हैं वे भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि जो सौभाग्य ब्रह्मा शिव को भी प्राप्त नहीं हुआ वो सौभाग्य आज इस वेणु को प्राप्त हो रहा है। देखो ये वेणु, ये बांस, ये हमारी संतान है। मानो वृक्ष कह रहे हैं कि ये हमारी संतान है और हमारी संतान इतनी सौभाग्यवान हुई है कि कृष्ण के अधरामृत का उत्तराधिकारी बन गई, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उनके अंदर नए नए पुष्प खिल जाते हैं और उनसे जैसे अश्रुपात होते हैं उसी प्रकार मधु झरने लगा है। और इतना तक ही नहीं, हृदयन्यो कह रहे हैं कि जो कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, यमुना, ये सारी नदियां हैं, इन नदियों का जल नहीं, इन नदियों का जल मानो दूध है, क्योंकि नदियों के जल से पेड़ के सिंचन होता है। तो इस बांस ने क्या किया है, उसी दूध का पान करके आज इतना ये श्रेष्ठ बन गया कि कृष्ण के अधरामृत का पान कर रहा है। इसलिए नदियां भी बड़ी प्रफुल्लित हो रही हैं, सारे सरोवर भी बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं, और प्रफुल्लित होकर क्या कर रहे हैं, उनके अंदर कमल पुष्प प्रस्फुटित हो गए। नील कमल, श्वेत कमल, रक्त कमल, पीत कमल, चार तरह के कमल प्रस्फुटित हो गए सारे सरोवरों के अंदर। और तो और बड़ी बड़ी लहरें उनके अंदर उमड़ रही है, लहरें उमड़ रही है मानो बड़े इतने आह्लादित हैं, आह्लाद के मारे नृत्य कर रहे हो। इसीलिए ब्रज गोपियां कहती हैं कि ये सभी हमारे शत्रु हैं, ये सब हमारे शत्रु हैं। ब्रज गोपियां देखो यहां पर वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि ब्रज गोपियों के हृदय में जो भाव है महाभाव, ये प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, और इसी वजह से वो मानो वेणु के प्रति ईर्षान्वित हो रही है। लेकिन ये ईर्षा नहीं, ये उनका दैन्य भाव है। जो जितना प्रेम में उन्नत होता है, जो जितना भक्ति में उन्नत होता है, उसके अंदर उतनी ही दीनता आती है। श्रीमन महाप्रभु यद्यपि राधा रानी के भाव को आस्वादन करने के लिए गंभीरा में जिस प्रकार उन्होंने भाव का आस्वादन किया, उस समय पर भी कहते क्या है, न प्रेम गंध अस्मि, मेरे अंदर तो प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। है कौन, साक्षात कृष्ण ही आस्वादन कर रहे हैं प्रेम की सर्वोच्च अवस्था राधा रानी के भावों को, लेकिन कहते हैं कि मेरे अंदर तो प्रेम की कोई गंध भी नहीं। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की। इसलिए श्रीमन महाप्रभु के अंदर भी वही दीनता भाव देखी जाती है, कहते हैं मेरे अंदर तो प्रेम की गंध भी नहीं, लेकिन हमारा उससे टोटली विपरीत, पूर्ण रूप में विपरीत होता है। थोड़ी बहुत माला कर ली, थोड़ी बहुत कथा बोलना क्या आ गया, अभिमान आ जाता है, बोले हमसे श्रेष्ठ कोई है क्या। लेकिन बतलाया ये नहीं, क्या तरोरेव सहिष्णुना, कहते हैं जो जो फलवान वृक्ष होगा उसका गुण यही है, वो नम्र होगा, नम्रता ही तार लक्षण। कहते हैं जो जितना फलवान वृक्ष, जिसके अंदर जितने ज्यादा फल होंगे, जो जितना गुणवान होगा वो उतना ही नम्र होगा। इसीलिए ब्रज गोपियां यहां पर अपनी दीनता प्रकाशित करती हैं। पहले तो भाव कर रही थी कि सबसे ज्यादा सौभाग्यवान यदि कोई ब्रज में है तो ये गोप बालक है, इनके समान कृष्ण के संगी और कोई नहीं। लेकिन उसके भी बाद में कहने लगी कि ना ना ना, उससे भी ज्यादा सौभाग्यवान तो ये वेणु है, क्योंकि वृंदावन भूमि में कृष्ण के वेणुनाद से देखो सर्वत्र सारे वृक्ष भी आनंदित हो रहे हैं, सारी नदियां भी आनंदित हो रही हैं, लेकिन हम गोपियां इतनी दुर्भाग्यनी हैं, हम इतनी दुर्भाग्यनी हैं कि हम घर में बैठी बैठी कुछ भी नहीं कर पाती, कृष्ण की सेवा तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण के दर्शन भी नहीं कर पाती। इसलिए श्रीमती राधा रानी तो कहती है कि मैं अगले जीवन में और गोपी जन्म लेना ही नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि मैं बांस कुल में जन्म लूँ, मैं वृक्ष कुल में जन्म लूँ, और मैं जब मुरली बन जाऊंगी तो कृष्ण मुझे भी अपने अधर पर धारण करेंगे, अपनी अंगुलियों से मेरी सेवा करेंगे। हाँ, और यद्यपि मैं स्थावर योनि में चली जाऊं तो हो सकता है मां कि मैं भूल जाऊं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं,
कृष्ण तो सब जानते हैं, इसलिए वो मुझे नहीं भूलेंगे, कृष्ण मुझे स्मरण करके ही रखेंगे। तो इसीलिए इस वेणुगीत के अंदर विशेष करके यदि देखोगे तो है क्या, ब्रज गोपियों की सेवा वासना, किस प्रकार औरों की सेवा देखकर और ब्रज गोपी के हृदय में ये भाव है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। यद्यपि सर्वोत्कृष्ट सेवक श्री ब्रज गोपियां श्रीमती राधा रानी ही है, है ना, लेकिन तब पर भी दूसरों की सेवा को देखकर हृदय में स्वाभाविक दीनता और ये अभाव आ रहा है कि हमारी तो कुछ सेवा है ही नहीं। ये वेणुगीत जो पूर्व राग है ये और कुछ नहीं, ये केवल मात्र ब्रज गोपियों की सेवा वासना को ही लक्षित करता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री श्रीमद्भक्तिनाथ श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों को साक्षात प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समय वैष्णव वैष्णव के सभी को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। लेकिन आदेश हुआ है कुछ बोलने का, प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से कि मुझे कुछ स्मरण शक्ति प्रदान करें जिससे उनकी इच्छा को मैं पूर्ण करके कुछ वक्तव्य कह सकूँ। हम श्रवण कर रहे थे भागवत जी के बारे में। भागवत क्या है? भागवत है वेद रूपी वृक्ष का एक पका हुआ फल। ये सब लोग हमने गुरुदेव से सुना है। भागवत वेद रूपी जितने भी वेद है, बहुत सारे वेद है, एक वृक्ष की महिमा कब पता चलती है? उसके फल से। बबूल का वृक्ष है, उसकी महिमा उसके कड़वे फल से, हाँ बबूल का वृक्ष है। पर एक आम का वृक्ष है, आम के अगर हम पत्ते खाएंगे या टहनी लेंगे या उसकी जड़ लेंगे या उसकी सुगंध लेंगे, उससे हमें तृप्ति नहीं होगी। यद्यपि वो आम का वृक्ष है, परंतु जो तृप्ति हमें होगी उसके फल से होगी। उसका फल है आम। उस वृक्ष का पूरा सार उस आम के अंदर है। इसी प्रकार जितने भी वेद है, उन वेद में सारी बात है, सब कुछ संपूर्ण लिखा हुआ है। जो भागवत जो संपूर्ण वेदों में है, सब कुछ मिलेगा, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा, सब कुछ एज इट इज मिलेगा आपको। परंतु वो आनंद, वो स्वरूप, वो रस जो जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, वो आपको वेदों में नहीं मिलेगा। यद्यपि है उनमें, आप ढूंढोगे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ एज इट इज मिलेगा, पर वो रस जो आप चाह रहे हो, जिसको प्राप्त करने के लिए वेद व्यास जी भी तत्पर होते और बेचैन होते कि मैं सब कुछ लिख चुका हूं, कुछ भी नहीं छोड़ा, पर फिर भी मुझे वो तृप्ति क्यों नहीं हो रही है, वो आनंद क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैंने छोड़ दिया। मैं सब कुछ लिख चुका हूं, जितना भगवान के द्वारा मैंने पढ़ा है, सुना है, या जितना मैं जानता हूं, भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी है, मैं सब कुछ लिख चुका हूं, पर मैं तृप्त क्यों नहीं हो रहा हूं। दो तरफ नहीं हो रहे, क्योंकि वह उनका जो सार स्वरूप है भागवत, जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं है, भगवान से संबंधित है, भगवान के भक्तों की लीला है, भगवान के बारे में है, भगवान ने जो क्रीड़ाएं करी है वे है, भगवान का माधुर्य है, उनका वात्सल्य ऐश्वर्य है, सब कुछ जितना भी भगवान के बारे में है और उनके भक्तों के बारे में है, वो उन्होंने सार स्वरूप में नहीं लिया था, इसलिए उनको वो तृप्ति नहीं है। नारद जी आकर उनको बताते हैं कि तुमने लिख दिया सब कुछ लिख दिया, पर तुमने उन भगवान के बारे में क्या लिखा, उनके लिए क्या लाए तुम अलग से? क्या तुमने एक ऐसा वस्तु लिखी जिसको भगवान भी सुनने के लिए बेताब हो? गुरुदेव कहते हैं ना कि वास्तव में कौन श्रोता है सबसे बड़ा? भगवान ही श्रोता है, भगवान ही सब कुछ सुनते हैं, हम तो नहीं सुन सकते। अभी पर कल की बात है, 10 साल से हम गुरुदेव से भागवत कथा सुन रहे हैं, हमें यह भी नहीं पता कि हम कौन सा संवाद सुन रहे हैं, हमें यहां तक भी नहीं पता कि हम कौन सा संवाद सुन रहे हैं, तो हम नहीं सुन सकते ना, हमारी इतनी बुद्धि है। अभी कौन बताता है? ये बताते कि
श्रवण करने की क्षमता नहीं है हमारी, श्रवण कर लिया तो याद करने की क्षमता नहीं है उसको, याद भी कर लिया तो ग्रहण करने की क्षमता नहीं है उसको, और ग्रहण भी कर लिया तो जीवन में उतारने की क्षमता नहीं है। इस जड़ शरीर में नहीं है, इसलिए ये कलयुग धन्य कलयुग है, इसमें नाम की महिमा है। प्रेक्षित महाराज जी ने कलयुग को किस दया पे छोड़ा? इसी दया पे छोड़ा कि उसमें यद्यपि सारे अवगुण हैं, सारे के सारे अवगुण हैं। कल गुरुदेव भी बता रहे थे कि सिर्फ उसमें एक ही गुण की वजह से प्रेक्षित महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया कि सतयुग में ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में भगवान का अर्चन करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, याद करने से, द्वापर में अर्चन करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, परंतु जो ये कलयुग है इसमें सिर्फ नाम संकीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति होगी। सिर्फ एक इस गुण को देखकर परीक्षित महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया, वरना वे सक्षम थे उस कलयुग को खत्म करने में, कली को बिल्कुल सक्षम थे। जिनको भगवान ने स्वयं रक्षा किया गर्भ स्थिति में जाके, उनके स्वयं अनुज कहलाए गए हैं, वे भाई कहलाए गए हैं, तो जो वे सक्षम थे कली को साक्षात करने के, पर ये उन्होंने देखा कि इसमें यह है कि जीवों का कल्याण इसी से स्तर पर होगा। कलयुग में जीव भगवान का स्मरण नहीं कर सकेगा, उनका यज्ञ अर्चन शुद्ध सोच क्रिया कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो एक नाम संकीर्तन कर सकेगा। जब महाप्रभु इस धराधाम पर आए उन्होंने भी सबको यही बताया। गुरुदेव कहते हैं कि कौन से प्रश्न शुरू करते संकीर्तन परम विजय हो, उन्हीं का कीर्तन विजय हो, उसी से ही इस कलयुग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा कोई कितना दान कर ले, पुण्य कर ले, यज्ञ कर ले, अर्चन कर ले, कुछ भी तपस्या कर ले, कुछ नहीं हो सकता, ना हुआ है, हुआ भी नहीं है। कहते ये शास्त्र बताया इससे भगवत प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब इसको भगवान की भक्ति के लिए जोड़ा तभी तो, जैसे दान अगर कोई वैष्णव के लिए कोई दान करता है, अगर दान कोई ठाकुर का सेवा के लिए करता है तो इसकी महत्व, तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं, विश्वनाथ को ठाकुर कहते हैं। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ तक आए हो घर से, ये बहुत बड़ी तपस्या है, अभी जितना लोग रिजाइन कोर्स के घर बैठे हुए होता है नहीं, और कुछ माताएं सुबह सुबह मंगल आरती में आती है, कुछ सवेरे के लोग पूरा रिजाइन होकर सवेरे भी उठना चाहते हैं, रिजाइन सवेरे ठंडी समय में रिजाइन सबसे बढ़िया है सवेरे, लेकिन उसी समय भी रिजाइन छोड़ करके नहा धो कर तिलक करके मंगला कथा में, ये तपस्या है। लेकिन ये तपस्या अगर भगवान के लिए हो जाए ना, कर दीजिए तपस्या, फिर चार चांद इसमें लग जाते हैं। इसलिए ये जितने हर चीज अगर भगवत सेवा में अगर ये चीज लग जाती है, फिर तो ये चीज की सार्थकता है, नहीं अगर भगवत सेवा में भक्तों की सेवा में नहीं लगे तो फिर इसकी कोई महत्व नहीं। लेकिन सुधर मिलता है, लिंगता मिलता है जब इसको हम भगवान की भक्ति और सेवा रूप में लगा देते भगवत प्राप्ति लाल की जय। भागवत का कोई प्रश्न, कोई सही सही प्रश्न कर गया एकदम सही, सारा दिन क्या करते काम नहीं करते याद नहीं रहता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरी भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम पर जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम अर्पित करता हूँ। गुरु समस्त गुरुवर्ग के चरणों में निवेदित है।
दंडवत प्रणाम उपस्थित वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा थायों के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे कि हम जानते हैं कि कृष्ण है ना वो चतुर है और कृष्ण अपनी चतुराई से कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे कार्य करते रहते हैं कि भक्तों की मन को मोह लेते हैं, भक्तों के संशय को दूर भी करते हैं, यहाँ तक कि भगवान कभी कभी कुछ गलत कार्य भी करते हैं तो अपनी चतुराई से अपने आप को बचा लेते हैं। कुछ ना कुछ भगवान बताया कि बड़े चतुर हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से रूठ भी जाते हैं तो भगवान को उन्हें मनाना भी पड़ता है। हमने भागवतम में सुना है कई बार कि जैसे भगवान कृष्ण गोपियों से या राधा रानी से मिलने जाते हैं, कई बार पकड़े गए। जो उनकी सास है कौन है, राधा रानी की चटिला कुटिला, उन्होंने कई बार पकड़ा। भगवान कैसे ना कैसे बच जाते हैं। तो अब भगवान को प्रयास हमेशा ही करते हैं कि भैया मैं अपने भक्तों को उनका संशय भी दूर कर सकूं और कैसी तरह से पकड़ा भी ना जाऊं। बड़े चतुर है भगवान। तो एक बार की बात है, ऐसे एक ब्रजवासी भगवान को बहुत मानता था और बांके बिहारी को बड़ा मान के, और एक बार वो चला के उसे पता चला कि भैया जब जैसा बांके ब्रज है वैसे ही अयोध्या भी है, अयोध्या में भी भगवान का बहुत प्रचलन होता है। बड़ा सरल भक्त था और उसने अपनी माला पकड़ी और चला गया अयोध्या। और अयोध्या में जाके अपने गलियों में वहां जाके राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाने लगा। तभी एक वहां का जो अयोध्या का कोई पंडा था उसने कहा, तेरा दिमाग तो सही है भैया, क्या हो गया, राधे कृष्ण तो बोल रहा हूँ। कह रहे भैया यहाँ नहीं चलेगा राधे कृष्ण, यहाँ बोलो राम 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 राम। कह रहे हाँ। कह रहे भैया क्यों उसका नाम ले रहा है, उस टेढ़े का नाम ये क्यों ले रहा है। कह रहे मेरे ठाकुर जी को ऐसा मत बोलो। कह रहे तुम्हारे ठाकुर। कह रहे तुम्हें पता है उनके बारे में। कह रहे उनके बारे में पता करके आओ तब यहाँ आना राम राम करना। उन्होंने कहा अच्छा, कह क्या है मेरे ठाकुर जी में कमी। कह रहे तुम्हारे ठाकुर तुमने कभी सीधे खड़े देखे पहले बताओ। नहीं तो जब सीधे खड़े नहीं देखे तो तुम्हें क्या पता। अरे वो खड़े भी टेढ़े होते हैं, उनके काम भी टेढ़े हैं। अरे कैसे, अरे तुम्हें ये भी नहीं पता। अच्छा ये बताओ कि किसी स्त्रियों के वस्त्र चोरी करना अच्छा काम है। अरे हाँ ये दुआ सही करे। अरे वो तो छोड़ो, लोगों के घर में चोरी करना, मक्खन उनका मक्खन चुराना, दूध चुराना, उनकी मटकी फोड़ देना, ये कौन से अच्छे काम है। अरे और तो छोड़ो, दूसरों की बहू पे नजर मारना अच्छे काम है क्या। तुम्हारे कैसे भगवान है टेढ़े, और उनका नाम ले रहे तुम यहाँ के। भैया राम की नगरी है, राम की राम नाम लेते हैं तुम कैसे। अरे ना जिन जो खुद टेढ़े जिनका नाम टेढ़ा, करे कृष्ण ये बोलो कृष्ण, ये देखो कैसे, ये सीधा सिंपल नाम लो राम, देखो कितना आराम मिलता है कृष्ण। ये भैया क्या तुम यहाँ नहीं, यहाँ नहीं चलेगा ये सब है। औरतों का धाम देखो, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा यमुना जी टेढ़ी, ये क्या है। अरे हाँ यार बात तो सही करे। अरे कभी उन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं सुनी है, तुम किसी कृष्ण का नाम ले रहे हो यहाँ, जाओ उनके बारे में पहले पता करके आओ तब यहाँ नाम लेना। हमारे राम को देखो मर्यादा पुरुषोत्तम है और तुम यहाँ कृष्ण कृष्ण कर रहे हो राधे कृष्ण, जाओ। उसने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती होगी मेरी, बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। उसने पकड़ी अपनी माला डंडा वंडा सब कुछ पकड़ा और बिहारी जी के मांगे फेंक के मारा, ये तो पकड़ो। अरे इतने टाइम से बेकूफ बना रहे थे मुझे, इतने टाइम से बेकूफ बना रहे थे मुझे, ये लो अपना पकड़ा सब। अब बिहारी जी मुस्कुरा रहे, ये क्या हो गया भैया, क्या हो गया इसको। अब कह रहा मैं जा रहा हूँ अयोध्या, ठीक है, और आज से मैं राम राम करूंगा, जाओ यहाँ से तुम। बिहारी जी ने कहा भैया तो मेरा भक्त रूठ जाएगा, इसको मनाना पड़ेगा जैसे तैसे करके। अब बिहारी जी उसके पीछे पीछे चलती है। अब बिहारी जी उसके पीछे पीछे चल गए तो उसको पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। अरे भैया क्या हुआ। कह रहा पहली बात तो आप मेरा हाथ मत पकड़ो, मुझे पता चल गया आप क्या क्या हो, आप खुद किराएदार हो। किराएदार हो, हाँ आप मालिक नहीं हो। कह रहे कैसे। कह रहे मेरे को वहाँ भक्त मिला था, उसने बताया आपके बारे में सब, मैं तो आपको मकान मालिक समझ रहा था, तो किराएदार निकले। कह रहे कैसे। तो बताया कि जो ब्रज में ना, ब्रज के राजा कौन है, गोविंद देव। तो गोविंद देव का जो एरिया है उसको बोलते हैं गोविंद घेर। तो वहाँ तीन है राधा, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। जो मदन मोहन है वो किसके अंडर, मदन मोहन जो है वो उसके अंडर में आता है बांके बिहारी का मंदिर। तो आज भी बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ पर्ची करती टैक्स जाता है किसको, मदन मोहन को। तो कह रहे तुम तो किराएदार हो भैया है, तुम्हारा तो अपना खुद का नहीं, तुम मुझे क्या पालोगे। तो उन्होंने कहा भैया बात तो सही कर रहा है, बताओ क्या हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी, भाई तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बुलाया, तुम टेढ़े हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ राम राम करने अयोध्या। अब बिहारी जी ने कहा भाई ठीक है चलो, मैं मेरे साथ में तुम्हें ब्रज की सीमा तक छोड़ आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अब बिहारी जी ने कहा चलो मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आ गया, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे। भैया मैं टेढ़ा तो हूँ लेकिन कुछ कारण है, अरे कुछ कारण वाले नहीं, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, समझ में कुछ नहीं है।
तो बिहारी जी ने कहा ठीक है चलो मुझे ना थक गया हूं पानी तो पिला दो। अब बिहारी जी ने क्या करा, पास में एक बाल्टी रखी थी उसको कोनी मार के गिरा दी कुएं में। अब बिहारी जी कह रहे अरे यार ये पानी पीना था कैसे निकलेगा, कह रहे जाओ थोड़ा सरिया वरिया निकाल के लाना कहीं से। तो उसने कहा चलो ठीक है, अब आखिरी बार बिहारी जी कुछ बोल रहे तो उन्होंने एक सरिया ला के दे दिया। अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, सरिया से ऐसे बाल्टी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे आपको इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं आपके पास, अरे सीधी रोड से कहीं बाल्टी निकलेगी उसको टेढ़ी करो। ठाकुर जी ने कहा हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब बाल्टी नहीं निकल सकती है उसको टेढ़ी करना पड़ेगा। कह रहे तुम भैया कलयुगी जीव हो, कलयुग के जीव हो तुम, अनर्थग्रस्त जीव हो, तुम्हें भी तुम्हें निकालने के लिए मुझे भवसागर से क्या बनना पड़ेगा, टेढ़ा। उसने कहा हाँ प्रभु जी सही रहे है। तो क्या करा फिर उसने, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा प्रभु से माफी मांगी। भगवान ने बोला भैया मुझे तुम्हारे कारण टेढ़ा बनना पड़ रहा है, ठीक है वैसे तो मैं सीधा ही हूँ लेकिन भाई तुम लोग टेढ़े हो तुम्हारे मुझे टेढ़ा बनना पड़ रहा है। जो कहते हैं ना जो घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलती क्या करनी पड़ती है, टेढ़ी करनी पड़ती है, तो तुम्हारे लिए मैं टेढ़ा हूँ। अब यही देखो भगवान तो भक्तों को तो बना देते अच्छी तरह, लेकिन भगवान भी एक जगह बन जाते हैं, कहाँ किनके आगे बन जाते हैं, गोपियों के आगे। गोपियां कह रहे हैं भगवान की बिल्कुल नहीं चलती। तो ऐसी एक घटना आती है ब्रज में सांकरी घोर में। तो भगवान क्या करते थे, जो गोपियां आती थी ना तो क्या करते थे, जैसी गोपियां आती थी उनसे टैक्स वसूलते थे कि टैक्स दो। तो कहते थे भैया किस बात का टैक्स, कहते भैया तुम्हें नहीं पता मैं आकर राजा हूं। उन्होंने कहा राजा कैसे राजा बताओ, अरे मेरा विवाह हुआ है वृंदा देवी से, वृंदा देवी मेरी पति नहीं तो मैं आकर राजा। गोपी ने कहा भैया हमें तो पता ही नहीं, हमें तो इन्विटेशन मिला ही नहीं, हम आए नहीं बारात में भैया, तुम्हें नहीं पता भैया तुम एक काम करो टैक्स दो मुझे। अब दूध दही उनसे लेने लग गए। अब गोपियां बड़ी परेशान, चलो पी लो कोई नहीं दूध दही मक्खन खा लो, लेकिन जब जैसे वो आगे बढ़े कृष्ण क्या करे ढेला उठाए और मटकी फोड़ दे। तो गोपियां कह रही भैया हमारी सास रोज हमें बोलती है भैया तू काम मटकी फोड़वाती हो रोज है, चलो दूध दही तो गया कोई बात नहीं फिर रोज मटकी फोड़ा, रोज नई नई मटकी लाओ। बड़ी परेशान हो गई। अब सबने क्या करा एक मीटिंग करी, अब एक काम करेंगे भैया कृष्ण ने इसकी शरारतें बहुत बढ़ गई है इसे सुधारना पड़ेगा। तो सबने कहा ठीक है, सबकी सब गोपियों ने क्या किया सागरी खोर के जो बगल में सारी जो पर्वत है उनमें जाके छुप गई, कुंज में जाके छुप गए। अब कृष्ण अपने सखाओं के साथ आए वहां खड़े हो गए। अब गोपियों ने क्या करा बिगुल बजा दिया, हजारों हजारों गोपियां। अब वहां जैसे बिगुल बजाया उन्होंने सारी गोपियां निकल के आ गई। अब सखाओं ने देखा भैया तो फंस गए है, दो चार गोपियां होती थी कोई बात नहीं, आज तो इतनी हजारों हजारों गोपियां, सब भागने लगे। लेकिन दो लोग पकड़ में आ गए, एक कृष्ण और एक मधुमंगल। मधुमंगल क्यों, अपने मोटापे के कारण भाग नहीं पाया तो पकड़ में आ गया। अब बाकी सारे सखा भाग गए, अब दोनों को पकड़ लिया भैया आ जाओ तुम आ जाओ इधर आ जाओ। तो कृष्ण को बोला भैया तू क्यों परेशान करता था हमें, अच्छा क्यों बताए क्या हुआ, कहता मैं राजा हूँ यहाँ का इसलिए। हम तो डर के बोल रहे कृष्ण तो राजा था, मैंने कहा थोड़ा टैक्स वैक्स ले लूँ। अच्छा बुलाओ वृंदा देवी को, बुलाए वृंदा देवी को। बोला अच्छा ये बताओ ये कृष्ण से तुम्हारा विवाह हुआ क्या, ये इस कार्य से मेरा विवाह है, मुझे और कोई नहीं मिला क्या। कह रहे तो बाहर से भी काला अंदर से भी काला है। कह रहे अंदर से कैसे, कह रहे भैया इसने अपने मामा को नहीं छोड़ा, ये अपने रिश्तेदारों को नहीं तो मेरा क्या होगा, मामा कौन कंस, कह रहे उनका नहीं हुआ भैया तो मेरा क्या होगा, है ये तो बाहर से भी काला अंदर से काला। कह रहे मैं मेरा कोई सा संबंध नहीं है। गोपी ने कहा बता भैया अब पता क्या होगा। कृष्ण डर गए भैया क्या होगा, कह रहे बांध दो इन्हें। वहां क्या करा कृष्ण और मधुमंगल की चोटियां वहां पर जो वृक्ष में बांध दी। अब बोला कि भैया तूने हमें बहुत परेशान किया है। गोपी से बोला चलो कृष्ण के वस्त्र उतारो। कृष्ण का भैया ये मत करो, अरे अच्छा तुझे, कृष्ण का भैया मुझे लज्जा आएगी, अरे अच्छा उस दिन भूल गया जब हम यमुना जी में थे तूने हमारे वस्त्र चुरा लिए थे तब हमें लज्जा नहीं आई। कृष्ण का भैया छोड़ दो माफी मांगता हूँ। कह रहे नहीं भैया आज नहीं छोड़ेंगे तुझे, आज तो तू पकड़ में आया है। अब मधुमंगल कह रहा है कृष्ण को कि कृष्ण मेरी चोटी, अरे कृष्ण मेरी चोटी। तो कृष्ण कह रहे भैया तुझे चोटी की बड़ी मेरी धोती की बड़ी है, तेरे चोटी की बड़ी मेरी धोती की बड़ी है। अब कृष्ण को पकड़ लिया भैया आ जाओ। अब पहले तो कृष्ण भागने की कोशिश करने लगे तो क्या करा गोपी ने उनके गुलछे मारे, खूब मारा। सोचो किसको मारा, भगवान को, भगवान ही मार खा रहे, खूब मारा भगवान को पहले, खड़े हो जाओ यहाँ। और गोपियों से बोला क्या करो इनके वस्त्र चेंज करो, चलो फटाफट। अब उनके वस्त्र चेंज किए गए, कृष्ण को घाघरा चोली जो भी उनकी गोपी ड्रेस पहनाई गई, सिंगार किया गया और बोला कि चलो कृष्ण के सर में क्या रखो मटकी, फिर मटकी रख दी सर में, खड़े हो जाओ अब ऐसे ही गोपियों की तरह चल के दिखाओ, चल के दिखाओ सागरी गौर में। अब कृष्ण भी भैया क्या मरते तो ना क्या करते,
बिल्कुल ठुमक ठुमक के चलने लगे। अब गोपी ने पकड़ा ढेला ले, कृष्ण का पूरा वही अभिषेक हो गया दूध दही घी से। अरे एक बार नहीं हजारों बार कृष्ण बड़े लज्जित हुए, बड़े लज्जित हुए। उन्होंने कहा भैया तो बड़ा गलत फंस गया। उधर मंगधु मंगल था वो पहले तो चिल्ला रहा छोड़ दो मुझे, मैं ब्राह्मण हूँ श्राप दे दूंगा तुम्हें। हैं गोपी ने श्राप देकर ले एक उल्चा और मंगधु मंगल भी चुप, भैया अब श्राप पूरा कुछ नहीं चुपचाप बैठ रहे हैं। अभी तो कृष्ण के कपड़े चेंज किए मेरे कपड़े ना चेंज हो जाए। मंगधु मंगल शांत होकर खड़ा होकर देखने लगा। जब पूरी गोपियों ने क्या करा कृष्ण को दूध दही घी में रख रख के मटकी फोड़ फोड़ के जब कृष्ण बिल्कुल भीग गए। अब गोपियों ने कहा अच्छा ये बताओ अब से आओगे? कह रहे मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ आज के बाद मैं कभी टैक्स लेने नहीं आऊंगा, है मैं उल्टा टैक्स दे दूंगा लेकिन लेने नहीं आऊंगा। तो गोपी ने कहा चलो अभी नहीं छोड़ दो। अब उन्हें छोड़ दिया। मधुमंगल और कृष्ण वापस आ रहे तो कृष्ण कह रहे हैं मधुमंगल को भैया किसी को बताइए मत, किसी को बताइए मत है तो मैं तेरे को लड्डू खिलाऊंगा। मधुमंगल कह रहा अच्छा तुम्हारे लड्डू के चक्कर में तो मेरा हाल हुआ है, कह रहा इधर लड्डू खा के मेरा मुंह नहीं फूलता जितना आज गोपी में कुलचे खा के मेरा मुंह फूली है। तो वहां देखो भगवान क्या बता रहे कि भगवान ऐसे तो भक्तों के वसीभूत है लेकिन यहाँ किसके वसीभूत है गोपियों के। क्यों क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ भक्ति, सिर्फ और सिर्फ भक्ति। अगर भक्ति करेंगे ना तो भगवान भी वसीभूत हो जाएंगे, भक्ति करने से भगवान भी वसीभूत हो जाएंगे और भगवान भी हर कार्य कर सकते हैं हमारे साथ। अरे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत कुछ है तो वो हम आगे सुनने का प्रयास करेंगे आगे। ठीक है वंशा कल पत्र वश्य कृपा देखो ब्रह्मा जी जब भगवान को स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी क्या कहते हैं बोले ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये कौन कह रहे ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है विश्व ब्रह्मांड को जो सृष्टि करने वाले हैं इसलिए ये बात को ब्रह्मा स्वयं कहते हैं। कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकता है, बारिश का बूंद को कोई गिन सकता है लेकिन कृष्ण की महिमा को कोई पार नहीं पा सकता। क्यों? कृष्ण को समस्त अवतार का अवतार क्यों मानी गई और समस्त कारण का कारण क्यों मानी गई? यही कारण है अभी सुन रहे थे ना गोपियां जिनको लहंगा चुंदरी बना दिया, जिनको सर पर मटकी रख करके मटकी फोड़ करके दूध दही से स्नान कर लिया, बोले कान पकड़ उठो बैठे दो कृष्ण को उठ बैठे कर यही कारण है। भगवान मंडी भगवान राम किसने किसने करवाया? भगवान राम को कोई करवाए? कोई नहीं करवाया भगवान राम को। लेकिन कृष्ण को क्यों भगवान क्यों कहते? समस्त कारण कारण यही है, समस्त राम का भी मूल कारण है। कहते रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठर, ये मत्स्य कुर्म बामन नृसिंह भगवान कौन है? भगवान की कोई अंश, कोई अंश के अंश कला है लेकिन मूल कौन है? ये भगवान कृष्ण। इसलिए क्यों सर्वश्रेष्ठ मानी गया? यही कारण है कृष्ण को समस्त कारणों का, कृष्ण जैसे भक्तों का वशीभूत हुए है इसलिए कहते हैं जिनकी केवल एक इच्छा से कृष्ण की, अगर कृष्ण थोड़ी सी भीड़ टेढ़ा कर दिए ना स्वर्ग में देवता लोग भी काम जाते हैं। इंद्र तक भी जिनके चरण में माफी मांगी, ब्रह्मा जी के चरण में नाक रगड़ी, शंकर जी की गुर्जर कहा बड़ा शंकर जी को, लक्ष्मी तपस्या कर रही है, कारण क्या है समस्त। लेकिन इतने बड़े भगवान होते हुए भी भगवान को कोई कान पकड़ के उठा बैठा कर सकते? कोई भगवान की लहंगा चुंदर कोई पहना सकते है? गोपियां कहते उठ जाओ उठो बैठ जाओ बैठते। इसलिए भगवान को समस्त कारणों का कारण इसलिए बनाए, कहां विश्व ब्रह्मांड का मालिक है और भक्तों का प्रेम में कितने वशीभूत ठाकुर हो जाते हैं, इतने वशीभूत और कोई भगवान नहीं हुए। इसलिए कृष्ण को समस्त का कारण का कारण उनको होता है, कई कारण कृष्ण जैसे वशीभूत और प्रेम से होते हैं और कोई भी इतने वशीभूत नहीं हो सकते है। इसलिए कृष्ण को समस्त कारण का मूल कारण भगवान कृष्ण को बताएं। इसलिए कृष्ण की महिमा समझना बड़ा कठिन है, हैं बड़ा कठिन है कृष्ण की महिमा समझना। इसलिए बोले श्री कृष्ण के दुनिया लाल की जय, बोले बाकी बिहारी सचिनंदन गौर हरि की जय, निताई गौर प्रेमानंदे निताई निकला ही नहीं भैया जी ले आ जब प्रसाद ले आ आपके लिए खिचड़ी। हम सोच रहे थे आप सबके लिए समोसा मंगवाए गरम गरम।
समोसा मंगवाए, लेकिन बोले इतना जल्दी आप समोसा, कल कल आपको समोसा और एक नया चीज खिलाए, अभी नहीं बोले कल। बंगाल में था, बंगाल में महाप्रभु को जो सबसे प्रिय था क्या था, पीठा पाना, रसगुल्ला नहीं पीठा पाना, महाप्रभु खाते कल हमारे श्री गौर सुंदर गुरु बनाए तो पीठा पाना, महाप्रभु को बड़ा प्यारा था, आपको एक खिलाएंगे महाप्रभु क्या खा। एक अभी बंगाल में जाएगा ना घर घर में ये सब चीज मिलेगी, हाँ इसी समय में ठंडा का समय है ना, जैसे यहाँ ठंडा समय की सरी सुधा साग आप लोग खाते हो, बाजरा का रोटी, उस तरह का पीठा बड़ा खाते हैं उस तरह में। हाँ ठीक है, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।